हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में स्टैमलो 5 टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। स्टैमलो टैबलेट का मुख्यतः इस्तेमाल हाइपरटेंशन की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। डॉक्टर रेड्डीज कंपनी की ये 30 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 2500 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। स्टैमलो 5 टैबलेट में एम्ब्लोडिपिन IP 5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एम्ब्लोडिपिन यह ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के क्लास में आता है। यह हर्ट की मांसपेशियों के ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार लाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल सीने में दर्द की समस्या दूर करने में, हाई बीपी की समस्या, हाइपरटेंशन की समस्या दूर करने में, एंजाइना, हृदय रोग की समस्या दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट की डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपके ब्लड प्रेशर पर निर्धारित रहता है, इसलिए हमेशा अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से चेक करके इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर से निर्धारित कर लीजिए। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, घबराहट, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आप पहले से ही कोई अन्य हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ी टैबलेट ले रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आपकी हार्ट से या किडनी से जुड़ी कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई हो तो इसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।